Now the next question Joya, that is, if cos theta is equal to 7 divided by 8, evolve it. Sabse pehla value find out karna hai beta, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Aur second part jo hai, that is cot square theta, right? So beta, hum lenge isme ek triangle ek lete hain. Let us consider a triangle ABC. Let us consider a triangle ABC, right angle at B, right? So hum lete hain, let us consider a triangle ABC, right angle at B. Suppose हम theta लेते हैं, correct? We have, आप देखो बेटा हमारे पास given क्या है? हमारे पास जो condition है, that is cot theta is equal to 7 divided by 8, right? Cot theta हमारे पास है 7 divided by 8, ये theta है. तो perpendicular ये बनेगा और base ये बनेगी. लेकिन ये जो cot है, cot किसके बराबर होता है? शाबाश. Cot होता है, that is base divided by perpendicular is equal to 7 divided by 8. बस cot के बदले मैंने लिखा base divided by perpendicular. अब बेटा हमें यहाँ देखना है base क्या है. Base हमारे पास क्या है? BC divided by perpendicular क्या है? AB is equal to 7 divided by 8. बिल्कुल जैसे पहले दो क्वेश्चन से वैसे ही बना बेटा क्वेश्चन. तो हम लिख सकते हैं BC is equal to 7k and AB is equal to 8k. So मैंने ratio लिया 7k and AB लिया 8k. तो इस ट्रायंगल में अब हमारे पास एक एंगल एक साइड अभी गिवन नहीं है, उसको हम निकालेंगे. Now in triangle ABC, right angle triangle है, तो पाइथागोरस लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं. पाइथागोरस लॉ हम क्या बोलती हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. AC square is equal to BC square plus AB square, that is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तो यहाँ पे AC square हैं, लेकिन BC के बदले हम value कितना लेते हैं? 7k square, and AB के बदले कितना लेते हैं? 8k square. AC square will be equal to 7 square is 49k square plus 64k square. AC square आया हमारे पास 49k square plus 64, that is 113k square. AC square will be equal to, तो AC square आया 113k square. AC किसके बराबर आएगा? Under root of 113k square. तो जो AC आएगा, that is under root of 113k, right? तो तीनों साइड सब गिवन है. हमें जो प्रूव करना है, इज 1 प्लस sin थीटा. तो सबसे पहले हमें चाहिए sin थीटा और नीचे है cos थीटा. सबसे पहले हम निकालेंगे sin थीटा, उसके बाद cos थीटा. देयरफॉर sin थीटा का वैल्यू निकाल के रखेंगे. sin किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है? AB. हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? AC. तो sin थीटा का वैल्यू आएगा AB. AB कहीं पे गिवन होगा? 8k डिवाइड बाय AC. AC किसके बराबर आया? अंडर रूट ऑफ 113k. k एंड k कैंसिल आउट. तो sin थीटा का वैल्यू आया 8 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 113. आल्सो अब हम निकालेंगे cos ऑफ थीटा. cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है? AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. तो हम लिख सकते हैं cos theta is equal to AB. AB का वैल्यू किसके बराबर है? सॉरी, तो हमें निकालना है cos theta का वैल्यू, राइट? तो cos किसके बराबर होता है? दैट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. यहां पे बेस क्या बनेगी? BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? AC. तो BC का वैल्यू कहीं पे गिवन होगा, दैट इज इक्वल टू 7k, एंड AC वो आता है हमारे पास, दैट इज अंडर रूट ऑफ 113. अंडर रूट ऑफ 113k. k एंड k कैंसिल आउट. k एंड k कैंसिल आउट हो, तो बेटा जो cos थीटा का वैल्यू है, दैट इज 7 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 113. नाउ पार्ट नंबर फर्स्ट. पार्ट फर्स्ट हमें निकालना है 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा
इंटू वन माइनस कॉस थीटा, राइट, वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 113, ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 113 इंटू वन माइनस साइन थीटा, अगेन ए डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 113 होल डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 7 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 113 इंटू वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 113। तो ये फॉर्मूला बनेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई, तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आज 1 प्लस 7 अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 अंडर रूट ऑफ 113, अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू है 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 113 होल डिवाइड बाई, ये भी आएगा 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 7 स्क्वायर इज 49 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर इज 113, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्रॉस मल्टीपल करके क्या आएगा, 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 होल डिवाइड बाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल होगा, 113 इंटू 1 इज 113 माइनस 1 इंटू 49 इज 49 डिवाइड बाई 113, 113 एंड 113 कैंसिल आउट हुआ, वहाँ पे क्या बचा, 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 माइनस 49, 113 माइनस 64 49 आएगा डिवाइड बाई 113 माइनस 49 दैट इज इक्वल टू 64। तो बेटा ये सबसे पहले पार्ट का आंसर, तो बेटा पहले पार्ट का आंसर जो हमारे पास है 49 डिवाइड बाई 64। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, जो कॉट होता है, कॉट किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, राइट, तो बेटा हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस हमारे पास क्या बनती है, बी सी डिवाइड बाई परपेंडिकुलर क्या बनता है, ए बी, राइट, परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस इज बी सी, लेकिन हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी स्क्वायर फिर आएगा, राइट, स्क्वायर है, तो बेटा ये आएगा बी सी, बी सी का वैल्यू हम कहीं पे निकाल चुके हैं, बी सी का वैल्यू दैट इज 7 के डिवाइड बाई ए बी, ए बी का वैल्यू है 8 के, तो बी सी का वैल्यू है 7 के और ए बी का वैल्यू है 8 के, लेकिन ऊपर क्या आएगा, होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, के का स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर अगेन 64, के का स्क्वायर के स्क्वायर, के स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल आउट, जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसका वैल्यू हमारे पास आता है 49 डिवाइड बाई 64। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 था।